See, I think you know a lot depends on what we eat. ये मेरा experience रहा है ना सिर्फ इस film में लेकिन गजनी में भी. अगर आप अपने album में अगर आपकी उम्र करीबन 40, 44, 45 के आसपास है, आप अपना फोटो एल्बम देखिए. जब आप 20 साल के थे उस जमाने की फोटो देखिए. सबसे पहली चीज जो आपको नजर आएगी वो ये कि आपका वजन कम होगा. सबसे पहले आप ये नोटिस करेंगे, अरे यार मैं बड़ा दुबला था वो टाइम पे, राइट, इतना दुबला था, अब मैं मोटा हो गया. मतलब वो आदमी जो मोटा नहीं भी है वो भी अपने आप को देख के बोलेगा यार मैं जो भी मेरी इस वक्त साइज है उससे मैं थोड़ा कम था. सो द फर्स्ट थिंग यू विच यू ऑब्जर्व इज दैट योर वेट इज लेस. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग आई डिड. आई सेड कि यार अगर मुझे 20 साल का होना है तो सबसे पहले मुझे वजन कम करना है अपना. दैट इज द फर्स्ट थिंग. और वजन कम करने में हम जब खाना बंद करते हैं ना तो वो हमारे फेस पे उसका असर शो होता है. हम थके हुए लगते हैं, चेहरे पे थकान नजर आती है, राइट. तो हमको कभी खाना बंद नहीं करना चाहिए. डाइट का मतलब ये नहीं कि आप कम खाएं, डाइट का मतलब ये कि आप अच्छा खाना खाएं और सही खाना खाएं और बैलेंस्ड खाना खाएं. तो उसके लिए मैं एक डाइटिशियन के पास गया, डॉक्टर धुरंधर. तो उन्होंने मुझे बैलेंस्ड डाइट दिया जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं और फैट भी लेते हैं. और हर एक घंटे में मैं खाना खाता था और मैं दिन में करीबन 4 लीटर पानी पीता था. तो उससे स्किन फ्रेश रहती है एंड यू नो 70% ऑफ आर बॉडी इज वाटर. यस. सो आई कॉन्सेंट्रेटेड अ लॉट ऑन माई ईटिंग. आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. आई टू स्लीप फॉर 8 आवर्स. शूटिंग से पहले मैं बैडमिंटन खेलता था 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा. तो एक जो फ्रेशनेस आती है चेहरे पर आप जब एक्सरसाइज करें. तो आई टुक अ लॉट ऑफ केयर यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एंड देन परफॉर्मेंस, उसमें परफॉर्मेंस आप जोड़ते हैं, आपका एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह अपने आप को खुद आपको सबसे पहले तो महसूस करना पड़ता है कि आप 18 साल के हैं. 18 साल के हैं, यस. फिर वो चीजें फिर आती हैं. तो जो किरदार है उसमें से उसी में से फिर फिजिकल लुक भी आती है. तो वो तो आप लगान से भी देख लें तो आपको दिखाई देगा. लगान है, दिल चाहता है, मंगल पांडे है. मंगल पांडे. तो हर किरदार का जो अलग लुक है, क्योंकि मैं एक वक्त पे एक ही फिल्म करता हूँ तो लिहाजा मैं अपने आप को फिजिकली भी काफी हद तक चेंज कर पाता हूँ, यू नो.